हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। अब ऊष्मा गतिकी में हम देखते हैं कि सिस्टम होता है, ऊष्मा गतिकी में सबसे पहले आता है जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, उस थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करती है, किसका अध्ययन कर रहे हैं, ऊष्मा गति की होता है, ऊष्मा गति की में किसका अध्ययन करते हैं, सबसे पहले कौन यही आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा और गति की, ऊष्मा की गति हो रही है, अब किसमें हो रही है उनके बारे में देखेंगे। कि कोई भी हमारे पास केमिस्ट्री में देखे तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, कोई भी अभिकारक होता है मिलकर के, जो अभिकारक होते हैं मिलकर के उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो रिएक्टेंट होता है इसकी कुछ एनर्जी होती है, कुछ इसके पास में हीट होती है, वो चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि इस रिएक्टेंट के अंदर कोई भी बंध होते हैं, वो बंध टूटते हैं और टूट करके मध्यवर्ती बनता है और जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, और उस ब्रांच के अंदर क्या करते हैं हम, एनर्जी होती है, हीट होती है, इन हीट की चेंजेस हो रही है उनकी स्टडी की जाती है। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई भी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी ऊष्मा में चेंजेस हो रहे हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है, वो होती है हमारी ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यही देखने कि हमारा ये सिस्टम क्या होता है। हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है कि एनर्जी चेंज होगी या फिर हीट चेंज होगी, उस एनर्जी चेंजेज और हीट चेंजेज की स्टडी की जाती है। तो इस सिस्टम कि जो भी हम एक ऐसा पोर्शन से मतलब है, कोई भी हम कंटेनर ले ले, उस कंटेनर में कोई भी गैस भरी है, लिक्विड भरा है, कोई भी सॉलिड भरा हुआ है, उनके बारे में स्टडी करें। उनके बारे में स्टडी का मतलब है उनकी एनर्जी के बारे में देखेंगे, उसकी हीट के बारे में देखेंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम होता है। अब सिस्टम क्या है कि जिसके बारे में हमको थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक का मतलब एनर्जी और हीट चेंजेज हो रहे हैं उनकी स्टडी करनी है। तो एक स्पेसिफाइड पोर्शन होता है यूनिवर्स, हम जानते हैं कि संपूर्ण जो हमारा ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें भी हम देखें तो केमिस्ट्री में एक लैब होती है, लैब में कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, और कंटेनर में भी हम कोई सब्सटेंस ले ले, कोई मैटर ले ले, कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस ले ले, उनकी स्टडी करेंगे। तो उस पोर्शन को जिसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, उसके बारे में हम, वो जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और उस सिस्टम जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है, जैसे कंटेनर ले लिया हमने, वो कंटेनर ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, हम कह रहे इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हमें कमरा है हमारा, यही कमरा मान लेते हैं, इसी कमरे में ये रखा हुआ है, और कमरे में रखा हुआ, इस कमरे के चारों ओर यूनिवर्स है, चारों ओर का जो भी वातावरण होता है, जो भी पोर्शन होता है हमारा यूनिवर्स है। बट ये जो कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर की कुछ दीवारें होंगी, इस रूम का अलग टेम्परेचर होगा, कुछ इसके बाद में यूनिवर्स का कुछ अलग टेम्परेचर होगा। इसके इस लिक्विड के बारे में हम कह रहे हैं, यहाँ पर कोई लिक्विड ले रहे थे, लिक्विड होगा वो सिस्टम कहलाएगा, लिक्विड होगा सिस्टम कहलाएगा, सिस्टम के चारों ओर जो ये रूम है हमारा, ये रूम है, ये यहाँ से जो भी हम सराउंडिंग कह रहे, जो भी हम इसके चारों ओर का वातावरण है वो सराउंडिंग होगा,
यहीं से कहे ये जो कंटेनर है हमारे पास में, इस कंटेनर की कुछ दीवार होगी कि ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जो भी मैटर है सब्सटेंस से उसका ट्रांसफर होगा, उसके बेस पर कह रहे हैं इसकी जो दीवार होगी वो हमारी बाउंड्री कहलाएगी। तो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है वो यूनिट यहाँ से तो इसका सिस्टम कहलाता है। सराउंडिंग सिस्टम के चारों ओर जो भी क्षेत्र होता है, जो भी स्थान स्पेस होता है हमारा, जैसे रूम होता है, लैब होती है हमारी, वो यहाँ से सराउंडिंग होता है, और इस जो भी कंटेनर, इस कंटेनर की जो दीवारें होती हैं वो बाउंड्री होती है। सिस्टम और सराउंडिंग बाउंड्री से मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, टोटल यूनिवर्स होता है। तीन वर्ड पढ़ रहे हैं हम यहाँ से, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, एक बाउंड्री होता है। ठीक है, सिस्टम जिस पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, सराउंडिंग सिस्टम के चारों ओर का जो भी क्षेत्र होता है स्पेस होता है, बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके बीच में जो आइडियल भी हो सकती है कोई यहाँ से बाउंड्री, और कोई यहाँ से कहें तो एक एक्चुअल भी हो सकती है। तो ये बाउंड्री होती है हमारी, ये एक्चुअल भी हो सकती है और यहाँ से आइडियल भी हो सकती है। आगे देखिए इसी, ये बाउंड्री होती है हमारी, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे रियल में देखें तो वॉल और कंटेनर्स, जो कंटेनर होता है उसकी जो दीवार होती है हमारी वो क्या होती है, रियल होती है। इमेजिनरी में हम देखें तो कोई भी हम गैस के बारे में बीच में कोई ऐसी लेयर भेज दें, जैसे हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें सॉल्वेंट होता है, स्टीम लगाते हैं कि एक आभासी हो गई कोई इमेजिनरी बाउंड्री, बट यहाँ से रियल बाउंड्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब ये बाउंड्री भी कंडक्टर भी हो सकती है, नॉन कंडक्टर भी हो सकती है। हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, नॉन कंडक्टर होती है। तो ये बाउंड्री के कुछ टाइप होते हैं। अब बाउंड्री के टाइप से आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से कि सिस्टम देखा है हमने, क्या देखा है बच्चों, सिस्टम देखा है। सिस्टम होता क्या है कि जो जिसके बारे में भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से मतलब हीट और एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी कर रहे हैं, मैटर ट्रांसफर की स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। अब सिस्टम जैसे हम एक ही एग्जांपल से समझे, हमारे पास में एक ओपन कंटेनर है, हमारे पास में एक ओपन कंटेनर है, हमने एक कंटेनर लिया, ये हमारे ओपन कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को क्या करते हैं हम, ओपन कंटेनर में इसको हीट देते हैं। दूसरा हमने एक क्लोज ले लिया, एक क्लोज कोई कंटेनर है, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को भी हम यहाँ से हीट देते हैं। अन्य एक दूसरा लिया कि हमने क्या ले लिया, कोई थर्माकोल लगा हुआ है, एक कंटेनर जैसे थर्मस होती है वो थर्मस ले ली, और इस थर्मस में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, जैसे हम देखें तो कोई गर्म चाय भरी हुई है, हम इसे हीट दे रहे हैं। यहाँ से हीट दी, दोनों में ओपन कंटेनर है, एक ओपन कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है, हम इनको हीट दे रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ से जो लिक्विड है ये लिक्विड वेपर में बदलेगा और बाहर निकलेगा। यहाँ से कंटेनर की जो बाउंड्री है ये बाउंड्री कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी और गर्म हो जाएगी, इसकी हीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से देखें तो जो मैटर है वो मैटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से देखें तो यहाँ पर वेपर में तो बदलते पार्टिकल, वेपर में बदल रहे हैं, गैसियस रूप में बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो रहे हैं, वापिस से वो लिक्विड में बदल रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए कुछ इनके लिए कोई भी पथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जाते हैं, बाउंड्री से टकराते हैं, वापिस से लिक्विड फेज में बदल जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो एक ओपन कंटेनर होता है जिसमें मैटर भी जा रहा है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से हम कहें तो ओनली फॉर एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। बट एक इंसुलेटेड सिस्टम, हमने थर्माकोल लगा हुआ, यहाँ पर कोई थर्माकोल की दीवारें बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, जिससे न तो हीट का ट्रांसफर होता, नहीं जो मैटर है उसका ट्रांसफर होता है। तो इसके बेस पर जो सिस्टम होता है हमारा, उस सिस्टम को थ्री टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला आता है ओपन सिस्टम,
खुला निकाय। अब खुला निकाय नाम से ही ओपन सिस्टम आ रहा है कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, क्या कहलाता है हमारा खुला सिस्टम, खुला निकाय या ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई भी ओपन कंटेनर होता है उसमें किसी लिक्विड को हीट दी जाती है तो उससे मास का ट्रांसफर भी होता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो क्लोज सिस्टम, बंद निकाय आता है। बंद निकाय आता है कि क्लोज सिस्टम क्या है जिसमें मास फिक्स होता है, कि मास का ट्रांसफर है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, बट केवल क्या हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर कहां हो रहा है सराउंडिंग में हो रहा है। एनर्जी हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम से जो बाउंड्री है इस बाउंड्री से बाहर क्या है सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो ओनली फॉर एनर्जी का ट्रांसफर होता है क्लोज सिस्टम। बट नेक्स्ट आता है यहां से कि हम इंसुलेटेड सिस्टम देखें, थर्ड आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें न तो एनर्जी ट्रांसफर होती है क्योंकि थर्माकोल की दीवारें बनी हुई है, तो न तो एनर्जी कि डिफाइंड इन विच द मास इज फिक्स्ड, नो मास कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज वेल एज एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। जो मास है उस मास का ट्रांसफर भी नहीं होता, जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होता है, क्या कहलाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। एक तरह का विलगित निकाय, विलगित निकाय जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, उस थर्मस फ्लास्क में रखी हुई जो चाय होती है जो कुछ समय के लिए हम उसे क्या मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, जिसे थर्मस फ्लास्क होती है उस थर्मस फ्लास्क में, थर्मस में रखी गर्म चाय किसका कार्य करती है आइसोलेटेड सिस्टम का वर्क करती है, ठीक है। तो सिस्टम थ्री टाइप का होता है हमारा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इस अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में एग्जांपल इसका एक टेस्ट ट्यूब देखी होगी बच्चों लेबोरेटरी में, कुछ इस टाइप की टेस्ट ट्यूब होती है, एक टेस्ट ट्यूब होती है उसमें क्या भरा हुआ है एसिड है, एक बेस है NH4Cl और NaOH भरा हुआ है, तो हम कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि या तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब रखी हुई है हमारे पास में, टेस्ट ट्यूब है तो उसका जो मुंह है वो कैसा होगा ओपन होगा, एक ओपन सिस्टम का वर्क करेगा। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि NH4Cl और NaOH होते हैं एसिड एक बेस से रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बट यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है जो कंटेनर से कहाँ जाएगी बाहर जाएगी, और बाहर जाएगी तो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है कोई सब्सटेंस सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये कैसा सिस्टम होगा ओपन सिस्टम होगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखें तो अमोनियम साल्ट है और बेस है H2NH3 साल्ट निकल जाता है, तो क्या हो जाता है NH3 गैस बाहर निकलने के कारण ये क्या बनाती है यहाँ से ओपन सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है एक स्टॉप ए वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब। एक थर्मस फ्लास्क जो हमने अभी देखा था कि यहाँ पर कोई थर्मस फ्लास्क के उसमें क्या रखी गई, हमने गर्म चाय रखी थी, यहाँ पर आइस रखी गई है, आइस रखी गई है तो न तो मास ट्रांसफर होगा और न ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो कैसा सिस्टम हो जाएगा ये आइसोलेटेड सिस्टम, आया समझ में कुछ।
कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते तो हम देखते हैं यहां से कि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। कोई सिस्टम होता है उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। अब प्रॉपर्टी क्या, कि सिस्टम है हमारे पास में तो सिस्टम के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, सिस्टम है उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और वो कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मैथ में हम देखते हैं एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ से एक्स वाई और जेड थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं, किसी भी कोई भी बिंदु होता है, कोई भी रेखा होती है, कोई पॉइंट है, उसके थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में देखते हैं कि ताप होता है, दाब होता है, आयतन होता है, तीन कोऑर्डिनेट पाए जाते हैं। इन कोऑर्डिनेट के बेस पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बेस पर, जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है उसके बेस पर हम सिस्टम है, हमारा सिस्टम है जिसके बारे में हमको थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ से। तो सिस्टम हमने कोई क्या है, हमारा ये कमरा है। ठीक है, इस कमरे में हम क्या है, कोई भी हमने सिस्टम, कोई भी गैस ले ली, गैस किसी कंटेनर में गैस ली हमने, ये कि कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस ले ली, कोई भी गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है कोई भी, हम क्या करते हैं इसकी यहाँ पर कोई बाउंड्री बना देते हैं, किसी की भी बाउंड्री बना देते हैं, यहाँ पर बाउंड्री बना देते हैं। तो हम देखते हैं ये जो कंटेनर था उसका प्रेशर पी था, वॉल्यूम वी था, टेम्परेचर टी था। प्रेशर देखे, इमेजिनरी बाउंड्री बनाई हमने, इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो कंटेनर है, चाहे इसको यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री बना दी, लेकिन प्रेशर इतना का इतना मान लेते 1 atm था इसका कंटेनर का प्रेशर, तो 1 atm यहाँ पर रहेगा। यहाँ से टेम्परेचर कहे हमने दे दिया 298 केल्विन था, तो 298 केल्विन यहाँ पर रहेगा। बट वॉल्यूम देखे, वॉल्यूम यहाँ पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंटेनर है, यहाँ पर वॉल्यूम आधा हो गया, मान लेते हैं हाफ डिवाइड किया है, तो यहाँ पर v by 2 होगा, यहाँ पर भी v by 2 होगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो v1 होगा, यहाँ पर v2 होगा, और जो वॉल्यूम v था वो v1 plus v2 के इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड कर सकते हैं। तो सिस्टम में दो प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, पहली आती है कि जो मास पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, पर दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो मास पर डिपेंड करती है, जो सिस्टम है सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो टेंशन नहीं लेती, कितना भी चेंज कर दो, कुछ भी बाउंड्री बना दो, मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही। दूसरी आती है मास कहे यहाँ पर हमें, उसका स्ट्रक्चर कहे उस पर डिपेंड नहीं करती, बट दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल कहें तो हम कह रहे हैं प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, कैसी हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट हम कह रहे हैं यहाँ से एक्सटेंसिव जो मास पर डिपेंड करती है वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं मास पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैसी हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। हमने जो बताया वही कह रहा है कि सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए तो कैसी होगी, एक्सटेंसिव होगी, बट चेंज नहीं हो रही तो कैसी होगी, इंटेंसिव। सीधी डायरेक्ट बात है, कोई कंटेनर ले रहे हैं वहीं पर बैठ करके एग्जांपल देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे अभी हम कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है जो मास पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है जो मास पर डिपेंड कर रही है। इससे आगे देखें हम, इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे।
एग्जांपल देखे हमने, तो एग्जांपल आते हैं जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखे अभी बताया हमने टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, इसके लिए अलग से थोड़ा सा जो आराम से याद रख सकते हो तुम, हमने कहा लेंथ लंबाई होती है, बीच में से काट दे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मास होता है, वॉल्यूम होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी में भी विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न टाइप की एनर्जी होती है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जिनके बारे में यहीं पर स्टडी करेंगे हम। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी है, डेंसिटी में हम कह रहे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास देखे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम देखे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी का अगर रेशियो निकालें तो क्या बनता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनता है। तो डायरेक्ट कोई भी अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जा रही है तो उनका हम रेशियो बना दें तो क्या बनता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनता है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बनता है जैसे डेंसिटी। अगला वर्ड कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में हम कहते हैं यहां से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है, पढ़ते ही पढ़ा होगा। हम कह रहे हैं ये अमाउंट किसमें हो सकता है, अमाउंट हमारा मास में हो सकता है, छोटी सी बात बताएं वॉल्यूम में हो सकता है, मास हमारा परसेंटेज में हो सकता है, इसी प्रकार से मास मोल में हो सकता, अमाउंट मोल में हो सकता है, अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है नंबर ऑफ एटम दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे सकता है, नंबर ऑफ आयंस दे सकता है, नंबर ऑफ कैटायंस दे सकता है, नंबर ऑफ एनायंस दे सकता है, नंबर ऑफ टोटल आयंस के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो अमाउंट किसी में भी दे सकता है, वो सॉल्यूट का होगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, जो हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम कह रहे हैं अमाउंट अपॉन अमाउंट, अमाउंट अपॉन अमाउंट, मास वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कैसे आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, मोलेरिटी हो गया, मोलेरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, वेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, वेट ऑफ लिक्विड, वेट परसेंटेज हो गया, आर टाइप की कॉन्सेंट्रेशंस होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे और एग्जांपल देखिए, तो हम कह रहे हैं यहां से जैसे एटॉमिक मास होता है, इंपॉर्टेंट है हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास में जैसे सोडियम का देखें, सोडियम का मास देखें 23 kmu होता है एटॉमिक मास। तो यहां से एटॉमिक मास होता है, एक सिस्टम है, एक लॉगरिथम होता है इसका, जो सोडियम है उसका हम कह दें यहां से हमको मास दे दिया कि 10 ग्राम कोई सोडियम दे रहा है, 10 ग्राम कोई सोडियम दे रहा है, 10 ग्राम क्या हो गया, मास हो गया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कैसा हो जाएगा, मास पर डिपेंड नहीं करता, बट ये जो 10 ग्राम है मास ऑफ सोडियम है वो कैसा होगा, एक्सटेंशन। जो भी मास हम किसी एलिमेंट का दे दे, मॉलिक्यूल का दे दे, क्या होगा, जो मास दे रखा है वो तो एक्सटेंसिव होगा, बट एटॉमिक मास कैसा है कि इंटेंसिव, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, आगे एग्जांपल देखते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल देखें, जो हमने अभी बताया था वो लिख रखा है, आपको कॉपी कर सकते हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, नॉन एडिटिव नेचर होती है, मास पर डिपेंड नहीं कर रही, मास पर डिपेंड नहीं कर रही, इनको जोड़ नहीं सकते, इनका एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास है, लेंथ है, अमाउंट है, जोड़ सकते हैं, एडिटिव नेचर की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे डेंसिटी देखा है, मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़े। वर्क और हीट कैसी होती है? इंटेंसिव ही नहीं है, एक्सटेंसिव ही नहीं है। ठीक है, बाउंड्री प्रॉपर्टी होती है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होता है उसमें काम में ली जाती है, ये न इंटेंसिव होती है नहीं एक्सटेंसिव होती है। आगे देखो, आगे हमने देखा कुछ एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। एग्जांपल देखें, अमाउंट कैसा है, मास पर डिपेंड कर रहा है एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन। मोल बताया हमने, मोल क्या होता है, यहां से मोल होता है मास अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास। तो एक मास है, ये कैसा है, एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, मोल क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अगर मास चेंज कर दिया तुमने, मान लो सोडियम का 10 ग्राम लिया था हमने, 10 ग्राम सोडियम, इसकी जगह 20 ग्राम सोडियम ले ले, तो क्या हो जाएगा, मोल चेंज हो जाएगा। 10 ग्राम सोडियम रखा हुआ है, बीच में से टुकड़ा कर दे हम, 10-10 ग्राम के हो जाएंगे दो टुकड़े, अर्थात कैसा होता है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी देखा है, इंटेंसिव। हीट देखा है, एक्सटेंसिव में ने इंटेंसिव। फोर्स देखने अलग अलग हो जाता है, कैसा है, एक्सटेंसिव। आगे देखिए, वर्क देखा है, ने इंटेंसिव ने एक्सटेंसिव। कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखिए, मोलेरिटी, मास, मास परसेंटेज, सब क्या होगी, मोलेरिटी आदि क्या हो जाएंगे, हमारी सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। प्रेशर देखें, टेम्परेचर देखें, दोनों देखे हमने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट वॉल्यूम गिव्स फ्री एनर्जी, जितने भी प्रकार की एनर्जी होती है कैसी होती है, एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी देखिए एक्सटेंसिव होती है, बट हमने कहा है पर मोल, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ गई, कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं सरफेस टेंशन, पीएच, जो ई सेल होता है, ये आपका होमवर्क है, ये घर बैठ करके आराम से कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी हमको, व्हिच ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेंपरेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सब क्या हो जाएंगी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हिच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी हमको, कौन सी हो जाएगी, एनर्जी होगी, कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आगे देखें तो एंथैल्पी, प्रेशर, पीएच और इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव क्या हो जाएगी, एंथैल्पी हो जाएगी हमारी। इसके बाद में प्रोसेस देखेंगे और जो फंक्शन होते हैं हमारे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।